लखनऊ आनंद नगर स्टेशन पे घूम रहे हैं। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और 8 बजे हुए हैं। मैं निकला था घूमने, ये देखो मालगाड़ी जा रही है, ये खाली है फिलहाल, इसमें कुछ नहीं है। और आलमनगर स्टेशन पे ठहर रहे हैं। ये देखो जो यहाँ पे पहले टिकट वगैरह सारा मिलते थे, सारा यानी कि टिकट, काफ़ी लंबा स्टेशन था, मकान में जैसे टिकट हो गया या सिक्योरिटी रूम हो गया या बहुत कुछ है यहाँ पे बैठे हुआ करते थे। लंबी दूर जैसे स्टेशन होती है अपने, जैसे मुसाफिरों के लिए बैठना या आराम करना, तो ऐसे ही था, लंबा था काफ़ी। अब ये सारा तोड़ के कुछ नया बनेगा, नई डिज़ाइन से बनेगा, ये तो काफ़ी पुराने थे और शायद मेरे ख्याल से कमज़ोर भी हो गए थे, इसलिए दोबारा बनाएंगे। और काफ़ी कुछ यहाँ बदल गया, मैं यहाँ 1 साल पहले आया था तो इतना कुछ नहीं था। और देखो ये जो हमारा ऊपर ये पुल सा दिख रहा है, ये भी नया बना हुआ, पहले ऐसा नहीं था। 8 बजे हैं सुबह, धूप बहुत तेज़ हो रही है। और यहाँ पे सारा कुछ नया बनेगा, नई डिज़ाइन से बनेगा, क्या बनेगा पता नहीं। और आगे दिखाते हैं, स्टेशन लंबा है हमारे, बैठे मालगाड़ी आई हुई है, अभी अभी बस खड़ी हुई है, पता नहीं कितनी देर तक खड़ी रहेगी। और दिखाते हैं, देखो हमारे इधर यहाँ सारा कुछ था, ये सब तोड़ दिया गया है, ये तोड़ के पता नहीं कब बनेगा, कितना टाइम लगेगा। वैसे स्टेशन का मामला सरकारी काम है, कहने को तो सरकारी काम लेट भी होते हैं, लेकिन ये स्टेशन का बात है तो जल्दी भी हो सकता है, और काफ़ी जल्दी हुआ क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं, बारिश धूप इतनी, लोग कहाँ क्या करेंगे, कहाँ टिकट कटाएंगे, कहाँ क्या होगा। तो इस समय तो उम्मीद है टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बाकी ये है कि थोड़ा बहुत तो समय लग ही जाएगा। तो ये सारा तोड़ के फाइनल कर दिए हैं, बनाने में समय लग जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा, बना देंगे। यहाँ पहले सारा कुछ बना हुआ था, अब सब तोड़ दिए हैं। और वो जो लोहे का पुल दिख रहा है, ये भी पहले नहीं था, पहले था नहीं और अब तो काफ़ी चौड़ा और लंबा बना दिया है, वो भी लोहे का है कि मजबूती। स्टेशन सुधारी जा रही है, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, गंदगी ना रखें। और जनता से हमें यही आशा रखते हैं कि प्लीज़ कहीं आप लोग गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि हमारा देश जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। बीमारियां बहुत फैल रही हैं और गंदगी रखेंगे तो बीमारियां फैलने में समय नहीं लगेगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं। तो प्लीज़ घर हो या स्टेशन हो या कुछ भी हो या नाली हो या कुछ हो, तो प्लीज़ सफाई ज़रूर रखें और पूरी ध्यान से रखें, गंदगी ना फैलाएं। ये एक ज़िंदगी का मकसद है, अपना ही देख लो, हम लोग जब तक नहाएंगे नहीं तो कितनी स्मेल आती रहती है। वैसे ही ये देश है, देश को साफ रखो, अच्छा रखो, स्वच्छता अभियान। यहाँ पे सारे ऑटो खड़े होते हैं, ये बैटरी वाले रिक्शे हैं जो कि जहाँ कहीं जाना हो, यहाँ
सारी सुविधा उपलब्ध हैं। पहले इतना खुला माहौल था कि पूछो मत। ये जो मकान से दिख रही है, यहाँ पे नहीं थे पहले, काफ़ी खुला था। ये नए नए बने हैं, तो अब घूम के जाना पड़ता है। रिक्शे वालों को भी और जो रिक्शा पकड़ते हैं उनको भी। सारा तोड़ फोड़ दिए हैं, नई डिज़ाइन नई लुक, काफ़ी कुछ अच्छा बनाएंगे। वाला पुल भी नया ही बना हुआ है, काफ़ी कुछ यहाँ का चेंज हुआ है। आलमनगर स्टेशन पर पहले ऐसा नहीं था, पहले था, अब तो नई डिज़ाइन से नई सफाई बन रही, सफाई के हिसाब से काफ़ी कुछ ध्यान में रखते हुए अच्छा डिज़ाइन बनाया जा रहा है। यानी कि स्टेशन को बिल्कुल कहते हैं अच्छी अच्छी सुविधा और अच्छी डिज़ाइन से अच्छी लुकिंग दे रहे हैं। ये मालगाड़ी भी चल चुकी है, स्टार्ट हो गई, जो थोड़ी देर पहले आई हुई थी, यानी कि 15 मिनट तक खड़ी रही। तो बहुत इसलिए क्लियर नहीं आ रही है वीडियो। देखो दोस्तों, यहाँ से कितने बिजली वाले खंभे लगे हुए हैं, ये ट्रेन जा रही है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब के लिए आप बने रहिए। ओके, बाय बाय। पान खाए सैया हमारो, चली 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 चली, इश्क की हवा चली चली चली।